विश्व हिंदू परिषद द्वारा हित चिंतक अभियान का शुभारंभ कोर्ट रोड स्थित दुर्गा मंदिर से किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष प्रभात गोयल ने कहा कि यह अभियान 6 नवंबर से 20 नवंबर तक महानगर में महासंपर्क अभियान के माध्यम से हित चिंतक बनाएंगे। इस देशव्यापी हित चिंतक अभियान को सर्व समाज व्यापी और सर्व स्पर्शी बनाने के लिए वह समाज के प्रत्येक जाति पंथ संप्रदाय के लोगों धर्माचार्यों धर्मगुरुओं युवाओं युवतियों से संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज में राष्ट्रहित के कल्याणकारी सेवाओं कार्यों से जोड़ेंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद मतांतरण और लव जिहाद रोकने और घर वापसी के लिए किस तरह कटिबद्ध है यह जानकारी भी अभियान के अंतर्गत दी जाएगी। वहीं इस मौके पर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणीत गुप्ता ने कहा कि हित चिंतक अभियान का उद्देश्य विहिप के विभिन्न आयामों के कार्यों का जन सेवार्थ विस्तार करना है। सेवा कार्यों से अधिकाधिक वंचित समाज को जोड़ना, नई पीढ़ी से सनातन संस्कारों का संचार करना, गौवंशों की रक्षा, सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण और मठ मंदिरों की सुव्यवस्था के साथ ही हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसकी सुरक्षा के संकल्प का भाव जगाना भी अभियान का उद्देश्य है। किस अभियान की तैयारी की है? आज हमारा 6 नवंबर से 20 नवंबर तक अभियान चल रहा है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। इस अभियान के अंदर हर एक सनातनी भाई बहन को हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से युवाओं को प्रभावित करने का एक प्रयास रहता है। और हमारा एक ये भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्कृति से और हमारे कल्चर से जुड़े। आज ये अभियान आपका कहाँ से आरंभ हुआ है? आज हमारा यहाँ मंदिर से टाउन हॉल से हमारा ये चालू हुआ है और ये 20 नवंबर तक चलता रहेगा पूरे प्रखंड में और महानगर में। आज एक ही स्थान पे चालू है या पूरे शहर में? समय पूरे महानगर में लगभग कितने क्षेत्र में चल रहा है? साथ ही इस मौके पर बिहीप के विभाग अध्यक्ष सतीश अरोड़ा, विभाग मंत्री भवनीश सेगर, गौरव भटनागर, महानगर मंत्री अभिनाश गुप्ता, अमित गुप्ता, महानगर प्रचार प्रमुख साकार भटनागर, नवदीप सिंह, दिनेश प्रजापति, सौरभ प्रेमी आदि लोग उपस्थित रहे।